हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और एक बार फिर से बिग बॉस का मौसम आ चुका है। पिछले 12-13 सालों से मैं हर बार बिग बॉस की हर अपडेट लेकर हाजिर हूं, क्योंकि मैं खुद बिग बॉस का हिस्सा हूं और इस बार बिग बॉस 15 आ चुका है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक और घर वाले, तो स्वागत कीजिए साहिल श्रॉफ का, जो अब दाखिल होने जा रहे हैं बिग बॉस 15 में। साहिल, वेलकम टू द बॉस ऑफ द शो ऑफ बिग बॉस। थैंक यू अमित, थैंक यू। बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है आपका। हैप्पी टू बी हियर। बोलिए तो सर, ये बताएं कि What brings you to Big Boss? आखिर Big Boss एक ऐसा रियलिटी शो है जो हर बार सबको आकर्षित करता है, बहुत चर्चा में रहता है। काफी दिनों से आपका नाम मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ, तो फाइनली आपने यस बोल ही दिया। फाइनली यस बोल दिया, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है कि द शो इज बहुत ही फन शो है, बहुत ही व्यूड शो है, बहुत ही चैलेंजिंग, तो आप तो जानते हैं बहुत ही चैलेंजिंग शो है। तो मुझे लगता है फॉर मी अभी एक ये चैलेंज लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अपने किरदार और अपने जो बाहर का जो इमेज है उसके पीछे छुप जाते हैं एज पीपल हु वर्क इन आवर इंडस्ट्री। एंड आई थिंक मेरे लिए वक्त आ गया है कि मैं अपने आप को एक ऐसे स्टेज जहाँ पे मैं एक्सपोज हो जाऊँ विद फॉर द गुड और फॉर द बैड, दैट विल वो देखना देखेंगे हम। तो बिग बॉस इतने सालों से लोग देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एक आदमी को देख के बोलते हैं हाँ ये बिग बॉस के लिए बना हुआ है, और वो आदमी जनरली आप तो बहुत ही एग्रेसिव होता है, बहुत वोलेटाइल होता है, तो आपको क्या लगता है बीइंग वोलेटाइल बीइंग एग्रेसिव इज द क्वालिफिकेशन टू बी इन बिग बॉस, एंड डू यू थिंक यू आर एग्रेसिव एंड वोलेटाइल, दैट्स व्हाट पीपल परसीव इज द क्वालिफिकेशन टू गेट इनटू बिग बॉस, और इज इट समथिंग एल्स, काम एंड कूल विंस द रेस? If you're calm and cool, doesn't mean you're not volatile and not aggressive also. If you're calm and cool, in my world, it can be both volatile, aggressive, calm, cool, relaxed on all levels. So, मुझे लगता है कि मैंने ये शो ज्वाइन किया क्योंकि I realized when I spoke to the team that they want everything. There are no rules. It's just that कि जो ज्यादा, एंड ऐसे भी लोग बोलते हैं कि यार ये इतना चिल्ला रहा है शो में, तो देर आर पीपल हु डोंट लाइक दैट ऑल्सो, देर आर पीपल हु थिंक दैट। सो आई डोंट थिंक के कोई रूल्स है। आई थिंक कि आपने जो चार चीज बताया, कूल, काम, अग्रेसिव, वोलेटाइल, व्हाटएवर इट इज, कि काम लोग भी अग्रेसिव हो सकते हैं, राइट, पर वो काम भी हो सकते हैं। तो आई फील कि वो रेंज है, लेकिन वो उस वक्त पे क्या निकलना चाहता है वो आई थिंक करेक्ट। तो the rules can be broken, yeah. Calm, relaxed, cool, fun-loving guy can also win the show. You know? Yes. Sahil, your journey has been very interesting. Model ke roop mein aapne film mein ki kafi saalon se you've been the face of so many popular commercials. Do you look back, what kind of the fans, the kind of image you have created, and how do you think that image or the work aapne jo ab tak kiya hai itne saalon ka, उसका क्या अभी बिग बॉस में कहते हैं बिग बॉस एक दोधारी तलवार है, तो काट देती है, बिल्कुल बना देती है, दैट्स व्हाट आई फील, या तो कई करियर बिल्कुल बन जाते हैं, क्योंकि बने बनाए करियर में भी थोड़ा बहुत एक डब्बा सा लग जाता है, तो व्हाट डू यू फील विद द काइंड ऑफ, बिकॉज़ यू आर नॉट अ न्यूकमर, यू हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश योरसेल्फ, सो हाउ बिग बॉस गोना ऐड और एनहांस योर इमेज? सो द आई विल टेल यू समथिंग कि मैं आई नेवर थॉट आई विल डू दिस इन माय लाइफ, एक्टिंग, मॉडलिंग एंड स्टफ। तो वो जैसे वो हुआ वो एक फ्लो में हुआ, राइट? और पहली बार बिग बॉस एक फ्लो में आ रहा है मेरे लिए। सो आई ऑलवेज बिलीव के नो मैटर व्हाट हैपेंस, इवन इफ इट आप जैसे बोल रहे डबल एज सॉर्ड है ना, कि अगर अच्छा हो या बुरा हो वो आपके पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि कुछ बुरा होता है इन टर्म्स ऑफ लाइक, अगर करियर हम पैंडेमिक अटके हैं 1.5 साल से 2 साल से, लोग ज्यादा काम भी नहीं कर रहे, तो इट आई डोंट थिंक कैन गेट वर्स। तो आई हैव अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच, एंड मेरे लिए पर्सनली दिस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट, कि मैं अब तक मैंने जो भी काम किया है वो है वो पे आता है या स्क्रीन पे आता है, तो आई हैव नेवर एक्चुअली शोड हु आई एम, आई हैव नेवर डन स्पोक, हैड एन इंटरव्यू अबाउट रियली हु आई एम, आई जस्ट टॉक अबाउट द थिंग्स आई डू, मैं जो करता हूँ ये करता हूँ, तो I don't think it will hurt me, but I'm also okay to make a fool of myself. And I think ke log abhi Big Boss ka 15th season hai, they know ke
this, these are people who are going into a house. It is a show. They're not unaware of it. So if you think my career is going to go down because of Big Boss, I don't think so. I think on the contrary, people will get to know us jada, you know. Ki mere jaise, dekho, main toh expose nahi kiya hoon apne aap ko. Agar log jaane mujhe, and then they realize ki, okay, this guy is a cool guy and a chill guy or whatever. Har aadmi ko khush nahi kar sakte. Wo toh aap jante hain. Right, if 10 में से 4 भी आपको पसंद करते हैं, it's good enough. So I think that's it's not so bad. तो बिग बॉस में लोगों के दिल लग भी जाते हैं, दिल टूट भी जाते हैं. आपको क्या लगता है, आपका दिल कितना आपने संभाल के रखा है, क्या वो खोएगा आपको लगता है? यार यार एक चीज तो हमें रहना है कि हमें ओपन रहना है कि कुछ भी हो सकता है, यू नो, क्योंकि सुंदर लड़कियां भी हो सकती है. आई डोंट नो हु इज इन देयर. अच्छी लड़कियां हो सकती है. क्या होता है कि एनी एनी कॉम्बैटिव सिचुएशन में सपोर्ट भी चाहिए बिहाइंड द सीन्स, तो उसमें क्या होता है, कनेक्शन भी हो जाता है. तो यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, बट मैं ओपन हूँ. सो ओपन रेडी टू एक्सप्लोर. जी, प्रीवियस सीजंस के कौन से आपको लगता है कंटेस्टेंट्स हैव रियली परफॉर्म वेल एंड यू थिंक दैट दे हैव डन अ ग्रेट जॉब इन द प्रीवियस सीजंस? Yeah, I answer the same question. I can't run away from Siddharth Shukla because, you know, we've known him from the modeling days, and the little bit that I did know him, he carried everything he did on the shoulder, you know. And what uska, I know him through someone, a friend who's a close friend, and said that, yaar, he was like that before. He became who he is, and he was like that. So I just, you know, you give credit where credit is due, and he was himself on the show, and he was a complete man, who he was behind, outside and inside, and that's probably where his journey was, and now he's. So I think Siddharth was very good, and he hit the nail on me on the head the most than compared to anyone else. So yeah. Surely, we'll miss Siddharth, but. आप सब लोग, I'm sure, will put up a great show and make Siddharth proud who's watching us. So, looking forward to Sahil, and I'm sure you'll do a great job. Thank you very much. So, मिलते हैं आपसे. मिलते हैं. मिलते हैं. Hopefully not soon. Hopefully not soon. नहीं मैं आऊँगा घर पे. आ जाओ. Thank you so much. Looking forward. All the best. Bye. Thank you, Amit. Thank you, Sahil. Thank you. Bye.